आइंदा मुझे इस कमरे में कोई नजर ना आए और उसकी किसी चीज को कोई हाथ ना लगाए। बस ए, तुम क्या कर रही हो? चलो। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। जाओ देखो अलमारी में से कपड़े निकाल दो और ज्वेलरी वाले बॉक्सेस को हाथ मत लगाना, शूज अलग कर देना और सबको बॉक्स में पैक करके रखना है, इस तरह मत फेंकना। और मैं उबैद को भेज दूंगी, वो तुम्हारे साथ सारे बॉक्सेस उठा देगा, ठीक है? जी बात लाओ, बाकी भी ख्याल से निकालना। ये क्या है भाई, ये मुनज़्ज़ा के कपड़े कहाँ लेके जा रहे हो? वकार अंकल, ये जरूरतमंदों में तकसीम कर रहे हैं, मरने वालों की चीजों पर उन्हीं का तो हक होता है। मरने वाली मेरी बीवी थी, उसकी हर चीज पर मेरा हक है, समझी? बकार अंकल बात सुने। हटो। बकार अंकल मेरी बात सुने, ये सब इसीलिए तो कर रहे हैं, आपको तकलीफ होगी ये सब कुछ देख के, आपके बच्चे तकलीफ में हैं, ये सब नहीं होगा आपकी नजरों के सामने तो भूल जाएंगे ना आप लोग। अरे भूलना ही तो नहीं चाहता मैं अपनी बीवी को, मुनज़्ज़ा के जाने के बाद उसकी हर चीज मुझसे क्यों दूर की जा रही है? आइंदा मुझे इस कमरे में कोई नजर ना आए और उसकी किसी चीज को कोई हाथ ना लगाए। बस ए, तुम क्या कर रही हो? चलो चलो चाइना से निकलो।